बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपना काम प्रॉपर और रेगुलर कर रहे होंगे और साम्स की रीडिंग भी डेली कर रहे होंगे और जैसे मैंने वीडियो में आपको सिखाया है बिल्कुल उसी तरह से करते होंगे। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी साम्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू विल बी एबल टू रीड द वर्ड्स प्रॉपरली विद करेक्ट प्रोनंसिएशन। जब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डिफरेंट वर्ड्स को अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। सो कमिंग टू टुडेज टास्क, आज हमें क्या करना है? आज हमें शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स को पढ़ना सीखना है एंड हाउ शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल साउंड्स आर प्रोनाउंस। आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट साउंड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें उसका फर्स्ट साउंड यूज़ होता है उस वाउल का, और जब लॉन्ग साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें उसका सेकंड साउंड यूज़ होता है। तो आपको पता है कि वी हैव लर्न्ड हाउ टू प्रोनाउंस वाउल ए ई आई ओ। ए ई आई और ओ वाउल के शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स को हमने प्रोनाउंस करना सीख लिया है और आज हम यू के शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड को प्रोनाउंस करना सीखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल साउंड ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक इकरा फोनिक रीडर बुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे हमें शॉर्ट वाउल यू के प्रैक्टिस दी गई है। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, रीड इट विद मी। आर यू ऑल रेडी? आप लोग तैयार हैं? ओके, सो हु विल टेल मी व्हाट इज द शॉर्ट साउंड, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ यू? आ। आ शॉर्ट प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोलॉन्ग नहीं करते, इसको लंबा नहीं पढ़ते, छोटा प्रोनाउंस करके पढ़ते हैं आ। लाइक यस, विदाउट अनग्लूइंग पढ़ेंगे, बगैर तोड़े पढ़ेंगे। किस तरह से? ठट ठट अ साउंड है तो जल्दी से प्रोनाउंस करना है। ठट ठक। यहाँ आपने देखा कि टी को अपर केस लेटर में हमने देखा है, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में है, तो ये इट मीन्स कि ये प्रॉपर नाम है, किसी का नाम है। नेक्स्ट वर्ड इज ठब ठब। नट नट। फन फन। रन रन। नाउ कमिंग टू द पिक्चर सेंटेंस। इन दिस पिक्चर व्हाट कैन वी सी, क्या नजर आ रहा है हमको? ठट एंड ठक रन। ठट एंड ठट and thak run। As you can see in the picture there are two squirrels here, दो गुलहरियाँ हैं जो कि भाग रही हैं। Okay, moving to the next page, page number 38, the short vowel u। You we have to use the short vowel sound which is the first sound। First sound को use करते हुए हमें सारे words को पढ़ना है जिसमें vowel u use हुआ है, ठीक है? Thut and thuk run to a tub। आपने देखा कि हमने सब में फर्स्ट साउंड को रीड किया है, दोबारा से पढ़ते हैं। thut and thuk run to a tub। मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर, आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं कि यहाँ पर thut and thuk इनके नाम हैं, ये दोनों किसकी तरफ भाग रहे हैं? दे आर मूविंग टू द tub। Thuk dug in the tub। Dug means होता है खोदना कोई चीज़, तो यहाँ पर ये क्या खोद रही हैं? टब में कुछ खोद रही हैं, ठीक है? Digging कर रही हैं, ये past tense है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। हमें अभी किसको फोकस करना है, अभी हमारी पूरी तवज्जो किस पे होनी चाहिए? इनके साउंड्स पे होनी चाहिए। Thuk dug in the tub। Okay, next picture, thut has a nut, thut has a nut। पिक्चर में देख रहे हैं
के जट के पास कोई नट है, और ये कौन सा नट है आप सबको पता है? जी ये पीनट है। पीनट किसे कहते हैं? मूंगफली को, जो हम कब खाते हैं? विंटर सीजन में। मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर। टट एंड टक हैव फन। टट एंड टक हैव फन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों फन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39। हेयर वी हैव टू यूज़ द लॉन्ग वाउल। हमें लॉन्ग साउंड को यूज़ करना है, विच इज़ द नेम ऑफ द साउंड, जो इसका नाम भी होता है और जो इसकी सेकेंड साउंड कहलाती है। ठीक है, और तो सेकेंड साउंड यू की क्या है? डू यू रिमेंबर? याद है आप सबको? फर्स्ट साउंड क्या थी? अ। सेकेंड साउंड यू। तो यहाँ पर जो साउंड हमें यूज़ करनी है वो कौन सी होगी? यू। लॉन्ग वाउल, लॉन्ग वाउल यू। यूट, यूप, यू साउंड यूज़ करनी है हमें। इसको अब अच नहीं पढ़ना, इसको अब नहीं पढ़ना यहाँ पर, क्योंकि मैजिक ही भी आ गया है, तो उससे भी हमें आइडिया हो गया है कि ये तो सेकंड साउंड यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, यूट, यूब, दोनों कैपिटल से हैं। आप सबको मैंने बहुत दफ़ा बताया है और अब आप सबको पता चल गया होगा कि ये कैपिटल से हैं, अपर केस लेटर है, इसका मतलब ये किसी चीज़, जगह, जानवर या शख्स का नाम है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, म्यूल। म्यूल, म्यूल एक एनिमल होता है, डोंकी लाइक एनिमल, खच्चर जिसे कहते हैं। क्यूब, नेक्स्ट वर्ड इज क्यूब। देन म्यूज, म्यूज। क्यूब मीन्स क्या होता है? क्यूब आपने देखा होगा, इसका एक एग्जांपल डाइस भी है जो कि आप लूडो में यूज़ करते हैं, और आइस क्यूब्स भी होते हैं, आपने देखे हैं ना। और म्यूज क्या है? म्यूज गौर करना किसी चीज़ को, सोचना। ठीक है, क्यूट, क्यूट एज यू ऑल आर वेरी क्यूट, आप सब बहुत प्यारे हैं। ओके, मूविंग टू द पिक्चर सेंटेंस, यूट एंड यूब सैट ऑन म्यूल। यूट एंड यूब सैट ऑन म्यूल। यूट एंड यूब किस पर बैठे हुए हैं? म्यूल पर बैठे हुए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, यस, ऑन पेज नंबर 40, द लास्ट पेज ऑफ द बुक। इस बुक का लास्ट पेज है, तो अब इंशाल्लाह आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इसको बहुत ध्यान से, दिल लगा के पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो उसको देखिए और उन पेजेस को दोबारा से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आप मुकम्मल तैयारी के साथ स्कूल आएँ और आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो इन तमाम साउंड्स को पढ़ने की। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर, यूल इज द म्यूल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, यूल इज द म्यूल। ही इज अ क्यूट म्यूल। ही इज अ क्यूट म्यूल। मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर, यूट एंड यू म्यूज। ये दोनों बॉयज, इनके नाम क्या हैं? यूट एंड यूब। क्या कर रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं, किसी बात पे गौर कर रहे हैं। ओके, इन द नेक्स्ट पिक्चर क्या देख रहे हैं हम? यूट एंड यूब म्यूज ऑन अ क्यूब। यूट एंड यूब म्यूज ऑन अ क्यूब। यूट एंड यू गौर कर रहे हैं, म्यूज की मीनिंग गौर करना, किस पर बैठ के कर रहे हैं? एक क्यूब पर बैठ के। ओके ओके, कमिंग टू द लास्ट पिक्चर, यूल डज नॉट म्यूज ऑन द क्यूब। यूल इस म्यूल का नाम है। यूल डज नॉट म्यूज ऑन द क्यूब, यानी यूल क्यूब के ऊपर नहीं बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं सोच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग वाउल में हमें सेकंड साउंड यूज़ करनी है। ठीक
ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आपका कोई रिटन वर्क नहीं है इंशाल्लाह। अब हम अपनी इकरा इंग्लिश बुक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।